अब वॉल्यूम हमें पाई आर स्क्वायर एच गिवन है, हमने क्या करना है, इट मींस वी आर टू फाइंड आउट द रेडियस एज वेल एज हाइट। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे जो अननोन क्वांटिटीज है, रेडियस है, हाइट है, ये दोनों चाहिए, और ये दो कंडीशंस मुझे गिवन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस हम क्या करेंगे, इन इसके बेसिस पे हमने फाइंड आउट करना है आर एज वेल एज एच, वी आर टू फाइंड आउट। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर एच, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 3 टाइम्स टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इधर से टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये मुझे गिवन है 231। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी आर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एच। अब ये देखो यहाँ ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला 2 पाई आर और ये वाला 2 पाई आर कैंसल्ड, सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 इधर ले जाओ, 3 एच इज इक्वल टू 2 आर प्लस 2 एच, 3 एच माइनस 2 एच इज इक्वल टू 2 आर, यानी कि एच इज इक्वल टू 2 आर, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है दैट इज डबल द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, जो हमें कंडीशन गिवन थी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किया, कैंसिलेशन कर दी, 2 पाई आर दोनों साइड पे था वो हमने कैंसिल आउट कर दिया टू मेक आर कैलकुलेशन ईजी। इस साइड पे हमारे पास रह गया एच, ये वाला 3 उधर मल्टीप्लाई किया तो 3 एच इज इक्वल टू ये 2 और आर प्लस एच मल्टीप्लाई होके वी हैव गॉट 2 आर प्लस 2 एच, ये वाला 2 एच हम इधर ले गए तो वी हैव गॉट एच इज इक्वल टू 2 आर। अब एच इज इक्वल टू 2 आर हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 आर से, दिस इज इक्वल टू 231 यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 यूज करके हमने ये काम कर दिया। अब आर की टर्म्स में रह गया ये सारा, इट मीन्स अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 आर हो गया आपका 3 आर, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 6 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 231। आर की वैल्यू निकालनी है, आर को इधर रहने दो, बाकी इधर ले जाओ, पाई की वैल्यू पुट कर दो, अब जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर दो, 11 2s are 11 2s are 11 1s are 3 2s are 3 7s are, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर मेरा एज इट इज यहाँ यूज हो जाना है, लेकिन मुझे एच में आर पुट करना है, तो इट मींस आर मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, और आर की सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो आर आ गया मेरे पास 7/2, और एच अब हमने निकालना है, यूनिट हमें सेंटीमीटर गिवन है तो आगे आप सेंटीमीटर लगा दें। अब पुट इन 1, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 7/2, यानी कि एच आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब आर है मेरे पास, एच है मेरे पास, आई कैन फाइंड आउट वॉल्यूम। दिस इज 539/2, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब। फाइव 269.5 विल बी योर आंसर, 269.5 सेंटीमीटर क्यूब।
If any doubt is there in this question, you can unmute yourself and ask your doubt. I'm giving you the option to unmute. If any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt. So this was your question. Moving on to the next question. Next question may we are given 30 circular plates, each of radius 14 centimeter and thickness 3 centimeter, are placed one above the other to form a cylindrical solid. हमें जो है 30 plates given है, जिनका radius 14 centimeter given है, thickness यानी कि height एक single plate की that is given to be 3 centimeter, and we are to find the total surface area of cylinder formed and the volume of the cylinder so formed. So this is given to us 30 circular plates, each of radius 14 centimeter. Each of radius 14 centimeter and thickness 3 centimeter are placed one above the other. To form a cylindrical solid, one above the other, to form a cylindrical solid, find total surface area and volume of solid so obtained. अब solid obtained उसने खुद भी हमें बता दिया है कि that is a cylinder. तो इस तरीके से हमने 30 plates जो थी वो रखी. ये जो है आपका वो one plate को represent कर रहे हैं. तो ये height आपको 3 given है. रेडियस कितना गिवन है आपको? 14 गिवन है. अब देखो इस तरीके की 30 प्लेट्स हैं. एक प्लेट का जो हाइट है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो 30 प्लेट्स की हाइट हो जाएगी 30 × 3 यानी कि 90 सेंटीमीटर. यूनिट्स दोनों सेम है, रेडियस की भी और हाइट की भी. नाउ यू आर टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. चलिए फाइंड आउट करिए इसको. You have to given the radius, height आपको मैंने बता दी है, height of one plate या thickness of one plate, that's one and the same thing. That is 30 centimeter. So height of 30 plates will be equal to this is 3 centimeter. 30 × 3, that is 90 centimeter. Radius of plate is 14 centimeter. So this implies radius of cylinder form, that will also be 14 centimeter, and height of cylinder form is 90 centimeter. Ab height hai, radius hai, find out total surface area and height. Jiska ho jayega, unmute yourself and then tell me what answer you have got.
मैम 9,152 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक है 9,100। मैम वॉल्यूम वॉल्यूम इज 55,440। सेंटीमीटर स्क्वायर मेन आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर आपको जो है फॉर्मूले लर्न है तो एवरीथिंग जो आपको गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट योर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के वैसे हम क्वेश्चंस काफी कर भी चुके हैं। स्टिल हाइट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हमें एक हॉलो सिलेंडर की हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। जहां पे भी हॉलो सिलेंडर आ जाता है ना, और हम बात करते हैं रेडियाई, और इंटरनल रेडियस गिवन है, दोनों को ऐड करके आप एक्सटर्नल रेडियस निकाल लोगे, और अगर एक्सटर्नल रेडियस और थिकनेस गिवन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप इंटरनल रेडियस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे तो मुझे गिवन है हाइट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। एक बीच में से खाली है सिलेंडर, हॉलो है, उसकी हाइट गिवन है। इफ द आउटर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस अब मुझे इसका 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंड और साथ में क्या गिवन है, इट्स थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस गिवन है मुझे वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि हॉलो है तो नेचुरली द थिकनेस विल बी गिवन, एंड इट्स थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द होल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन फाइंड द होल सरफेस, यानी कि होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यू आर टू फाइंड आउट। वॉल्यूम, फाइंड द होल सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये मैं टॉप व्यू दिखा रही हूँ उसका। आपको क्या गिवन है, आउटर रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो थिकनेस है ये गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। अब दो चीजें गिवन है, आउटर रेडियस एंड थिकनेस, और मुझे निकालना क्या है, होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया इसका होगा दैट विल बी ऊपर और नीचे से इस तरीके से ये दिखेगा हमें, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये वाले एरियाज आ जाएंगे आपके, दैट विल बी द एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ऊपर भी है नीचे भी है तो उसका डबल कर दोगे, और बीच में क्या है उसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सेम वे में जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और
और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों आपको कंसीडर करने हैं। यानी कि जब आप एक हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो, तो हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो आउटर सरफेस एरिया है दैट यू आर टू टेक, उसका जो इनर सरफेस एरिया है दैट यू आर। नाउ सी, अगर ये मेरे पास सिलेंडर मुझे गिवन है, दिस इज हॉलो, पूरा प्रॉपर शेप नहीं बन रही, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, तो ये हॉलो है। अब इसमें ये मुझे दिख रहा है, ये थिकनेस हो गई इसकी, ठीक है, तो ये एक अपर पार्ट बना, ये लोअर पार्ट बना, और ये वाला कर्व्ड पोर्शन बन रहा है। अब कर्व्ड पोर्शन में बाहर वाला ये सरफेस एरिया बन रहा है और ये अंदर वाला, यू कैन सी दिस, ये अंदर वाला सरफेस एरिया बन रहा है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस टॉप, टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है, और इधर भी टॉप बॉटम वाला जो है आपको वो रिंग दिख रहा है। तो इट मींस दिस थिंग वी आर टू फाइंड आउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सरफेस। तो जब हम होल सरफेस की बात कर रहे हैं, हमने होल सरफेस मींस, अब क्योंकि ये बीच में से खाली है, तो यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया वाला आप फॉर्मूला लगा रहे थे वो नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि बीच में से ये खाली है। तो बीच में से खाली है तो ऊपर की तरफ अब ये हमें रिंग दिख रहा है, नीचे की तरफ भी इस तरीके से ये हमें रिंग दिखेगा, और ये कर्व्ड पोर्शंस होंगे। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस फर्स्ट रिंग एंड एरिया ऑफ दिस सेकेंड रिंग, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय। उससे पहले देख लो क्या क्या गिवन है आपको। हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ, दैट इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर। थिकनेस गिवन है मुझे 2 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। दिस इज आउटर रेडियस एंड दिस इज इनर रेडियस। अब होल सरफेस एरिया दैट विल बी एरिया ऑफ टू रिंग्स जो ऊपर नीचे बन रहे हैं, प्लस कर्व्ड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फॉर्मूले आपको पता है, एरिया ऑफ, जब आपको रिंग निकालना होता है तो दैट इज द आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो एरिया ऑफ टू रिंग्स आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कर दिया मैंने, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। एच हाइट जो है वो दोनों केसेस में सेम है। तो अब इसको यहाँ पे आप पुट करो वैल्यूज को एंड गेट योर आंसर। आप चाहो तो चारों में से 2 और पाई कॉमन ले सकते हो। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 प्लस आर इंटू एच, एच आपको 20 गिवन है और यहाँ पे आर कैपिटल इंटू 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना। सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। पाई को अगर नहीं भी पुट करोगे तो कैलकुलेशंस और इजी हो जाएंगी आपके पास। अगर पाई नहीं पुट करते तो 528 पाई, अदरवाइज इस तरीके से आपका डेसिमल से निकलेगा, एंड देन वी आर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम।
क्योंकि बीच में से खाली है, तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई और एच आप कॉमन ले लो, अगेन पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। मैंने सीधा ये वाली आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 24। तो दिस इज योर एरिया, सो इट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल्स में कन्वर्ट करके यू विल राइट डाउन द आंसर, अदरवाइज पाई वाली फॉर्म में भी आप दोनों आंसर्स लिख सकते हो। पाई की फॉर्म में ये आंसर आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके दिस विल बी 528 पाई, और उधर जब आप करोगे तो दैट विल बी 480 पाई। So this was your question number 3 for today. Now moving on to question number 4. Next question is ये question मैम, होल सरफेस एरिया कितना आ रहा है बेटे? आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 44/7 into 264, this is the curved surface area, product कैलकुलेट कर लेना इसका। टू डेसिमल प्लेस तक यू कैन गिव द आंसर, अगर डेसिमल्स में नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पाई को पाई ही रहने दो, देन योर आंसर विल बी 528 पाई। अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो इट विल बी 528 पाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ जो एक डिफरेंस है दैट विल बी वैल्यूज का, एक तो चेंज होगा, हाइट हमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द थिकनेस ऑफ द होलो वुडन सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बाकी सब सेम है। फाइंड द होल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों सेम है, सिर्फ अब यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है वो ये है कि अब आपको इनर रेडियस गिवन है। तो जब आपको इनर रेडियस गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियाई निकालने, रेडियस निकालने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द थिकनेस। पिछले वाले में हमने थिकनेस को क्या किया था, एड किया था, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया था। अब इनर रेडियस गिवन है, थिकनेस निकालनी है तो ऐड करोगे, पिछले में हमने सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि हमें अब ये गिवन है और ये निकालना है, तो ये 12 गिवन है, थिकनेस 2 गिवन है, तो 12 + 2 विल बी द आउटर रेडियस। दोबारा से सुन लो इसको, जब हमें इनर रेडियस गिवन है, थिकनेस गिवन है, आउटर रेडियस हमने निकालना है, तो वी विल ऐड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। आउटर रेडियस हमेशा बड़ा होगा इनर रेडियस से, तो प्लस करोगे। जब हमें आउटर रेडियस गिवन है, थिकनेस गिवन है, इनर रेडियस हमने निकालना है क्योंकि इनर रेडियस आउटर से छोटा होगा, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सो यहाँ पे जो हमारा आउटर रेडियस है वो 14 आ जाएगा, इनर रेडियस 12 गिवन है, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो दिस यू विल कम्प्लीट योरसेल्फ, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा होल सरफेस के लिए भी और वॉल्यूम के लिए। तो ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूले, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको कंप्लीट आप खुद कर लेना। वंस अगेन आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर, टुडे यू आर टू सेंड द पीडीएफ्स ऑफ योर होमवर्क नोटबुक। सम स्टूडेंट्स हैव सेंट, बट दोज हु हैव नॉट सेंट, जस्ट सेंड मी योर फुल पीडीएफ ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट वी हैव डन। जिनका चेक्ड है जो पोर्शन, यू नीड नॉट सेंड दैट वन। जो आपका अनचेक्ड पार्ट है, मेरे पास सभी टिक लगे हुए हैं किसका क्या क्या चेक है, तो यू नीड नॉट वरी। सो जिनका अनचेक्ड है जो पार्ट, यू आर टू सेंड दैट ओनली, एंड दैट टू इन द पीडीएफ फॉर्म। सो आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन। वन मोर मिनट आई विल गिव, क्विकली डू इट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक हमारे पास सिलेंडर है विच इज फिल्ड विद सम लिक्विड वाटर, हम ले लेते हैं। अब जो है वो ब्रिम तक फिल्ड है, ब्रिम मींस पूरा नेक तक, टॉप तक वो फिल्ड है, तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसमें अवेलेबल है वो होगा। अब वो कह रहे हैं कि उसमें से जो वाटर है दैट इज पोर्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब जिसका हमें बेस गिवन है और हाइट जो है वाटर टब की हमने निकालनी है। अब क्वेश्चन दोबारा सुनो, हमें गिवन है एक सिलेंडर, सिलेंडर में जो है दैट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, इस तरीके से सिलेंडर हमें गिवन है, ये पूरा वाटर से फिल्ड है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ये वाटर जो है पोर करके हम डालते हैं एक रेक्टेंगुलर टब में, रेक्टेंगुलर टब भी पूरा पूरा भर जाता है, तो हमने क्या करना है, हमें इसका जो बेस है उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टब। जब एक चीज से दूसरे चीज में डाल रहे हो या एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बना रहे हो, इन दैट केस वॉल्यूम जो है आपका वो सेम रहता है। इट मींस अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर था, द सेम इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टब। हम ये अज्यूम करते हैं कि जरा सा भी पानी जो है वो नहीं गिरा जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में वॉल्यूम्स सेम रहेंगे, वॉल्यूम्स को आप इक्वेट कर दोगे एंड यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर टब। तो जब एक चीज दूसरे में डाली जाती है, पोर की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, या एक चीज को मेल्ट करके आप दूसरी शेप बनाते हो, तो दोनों केसेस में आपने क्या करना है, वॉल्यूम्स को सेम रखना है। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेंड्रिकल वेसल फिल्ड विद वाटर हैज इंटरनल डायमीटर एंड हाइट। अब इंटरनल डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, तो सिलेंड्रिकल वेसल फिल्ड विद वाटर has diameter 7.8 centimeter and height 28 centimeter. Its entire water is put in a rectangular tub whose base area is whose base is a square of side 26 centimeter. Find the height of the water in the tub. अब थोड़ा सा चेंज है देखो स्टेटमेंट में, जो ये है इसमें चेंज क्या है कि मैंने आपको क्या कहा कि वो दोनों ऊपर तक भरे हुए हैं तो दोनों वॉल्यूम्स इक्वेट करेंगे, बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो इसमें पानी था उन्होंने नहीं दिया हुआ हमें ऊपर तक भरा हुआ है, तो इन केस अगर ये ऊपर तक भरा हुआ नहीं भी गिवन है हमें, तो क्योंकि वाटर जो है दैट इज अ लिक्विड, तो इट मीन्स वाटर जो है वो जितनी हाइट तक भरा हुआ है, जो भी हमें रेडियस हाइट गिवन है, वो एक सिलेंडर की ही शेप बना रहेगा। अब इस वाटर को उन्होंने ट्रांसफर किया एक रेक्टेंगुलर टब में जिसका बेस क्या गिवन था, एक स्क्वायर गिवन है, बेस ऑफ विच इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 26 सेंटीमीटर। बेस स्क्वायर है यानी कि उसकी लेंथ
26 हो गई, ब्रेड्थ भी 26 हो गई, हाइट जो है दैट वी आर टू कैलकुलेट, एच हमने उसका निकालना है. तो अगेन कंसेप्ट सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस सिलेंडर था वो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये बन गया. वाटर टैंक किस हाइट तक भरा ये एच हमें निकालना है. इट मींस वी आर नॉट सपोज्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टब, वी आर टू फाइंड द हाइट अप टू विच द वाटर इज फिल्ड इन द टब. हमें ये हाइट निकालनी है जहां तक पानी इसमें आएगा. तो अगेन जब क्यूबॉइडल शेप में आप इसको डालोगे तो जो वाटर है वो आपका क्यूबॉइडल की ही शेप ले लेगा. तो इट मींस बस कंसेप्ट वही सेम रहा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टब. तो दोनों वॉल्यूम्स आपके सेम रहेंगे. तो गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे, बेशक अच्छा एक चीज और, बेशक यहाँ पे इंटरनल डायमीटर हमें गिवन है. इंटरनल का मतलब है कि पानी देखो जो है वो अंदर वाले जो उसका सरफेस होगा उसी को टच करेगा, बाहर वाले सरफेस को टच नहीं करेगा. तो इंटरनल डायमीटर देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे शायद हमें कुछ माइनस करना है या प्लस करना है. इंटरनल डायमीटर मतलब अंदर की तरफ से, और सेम जो है वो टच होता है जब हम वॉल्यूम लेके चलते हैं. सो हमें गिवन क्या क्या है, वी आर गिवन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर 27.8 सेंटीमीटर. तो रेडियस निकाल लोगे आप, दैट विल बी 7.8/2 यानी कि 3.9 सेंटीमीटर. हाइट 28 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर 28 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी इसकी, तो दैट विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच आर एंड एच. सो दिस इज 22/7 इनटू आर है आपका 3.9 एंड एच इज 28. अभी मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, इक्वेट करके इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे. अब इधर लेंथ ऑफ टब सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑल्सो 26 सेंटीमीटर, लेट हाइट इज एच. सो वॉल्यूम हो जाएगा इसका एल इंटू बी इंटू एच. अब बोथ द वॉल्यूम्स विल बी इक्वल, तो इनको इक्वेट कर दोगे, लिख लोगे यहाँ पे एज वाटर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिलेंडर टू रेक्टेंगुलर टब, सो बोथ द वॉल्यूम्स विल, या इन बोथ द केसेस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल रिमेन सेम. सो पुट 1 इक्वल टू 2, 22/7 इंटू 3.9 इंटू 3.9 इंटू 28 इज इक्वल टू 26 इंटू 26 इंटू एच. एच आपने निकालना है, इधर ले आओ. ये 7 ऑलरेडी इधर था, 7 4 था, ये डेसिमल्स हटा के 2 हटाए हैं तो अपॉन में 100 आ गया. 13 3s are 13 2s are 13 3s are 13 2s are, और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ 11 से. सिंप्लीफाई कर लोगे, ये वाला 2 और ये 4 कट गया, 11 इंटू 18 हो गया आपका 198/100. तो हाइट आ गई 1.98 सेंटीमीटर. सो द हाइट ऑफ दिस टब अप टू विच द वाटर इज फिल्ड इज 1.98 सेंटीमीटर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना, सिंपली हमने क्या किया है दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट कर दिया. So if any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt.